तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बंते संघ और सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर ये लोग करते हैं। थोड़ी को आप बस ये इतना दो। तो अभी मैं जब चंद्रशेखर भाई से मिला सारंगपुर के अंदर, तो चंद्रशेखर भाई ने मिलन जी के लिए एक संदेश भेजा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि अब की बार तो तुम जाना, अगली बार मैं आऊँगा वहाँ पर। साथियों, मुझे तो बताया था कि आप वक्ता हैं यहाँ पर, आप थोड़ा बात करेंगे, मगर दो मिनट का टाइम दिया उन्होंने। मैं कम समय में अपनी बात को रखना चाहूँगा। जो आज देश के माहौल है, तो 2 अप्रैल 2018 को इस देश के अंदर करोड़ों लोग जो रास्ते पर आए हैं, वो क्यों आए वो सोचने का सवाल है। साथियों, 2017 को सारंगपुर के अंदर घटना होती है और चंद्रशेखर आजाद ये लोगों को कहता है कि अब हम जुर्म सहने वाले नहीं हैं, तुमने सदियों से जुर्म का हाथ सहा है, हम पे का करा है, हम तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुमने जो जुर्म करे हैं आज जुर्म नहीं कर सकते हो, इसने चंद्रशेखर को जेल में डालने का काम किया। साथियों, आज जब वो जेल में है, तो जेल में से भी क्रांति करने का काम कर रहा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये सरकार अगर मुझे मार भी दे तो मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकती है। चंद्रशेखर ने कहा कि इस देश के अंदर मैं हजारों करोड़ों चंद्रशेखर पैदा कर दूंगा। ये बात चली 2 तारीख के। साथियों, जब 2 तारीख को हमारे नौजवान साथी पूरे देश के अंदर निकले, तो उन्होंने महसूस किया कि तुमने एक चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर की जेल में बंद किया है, अब कितने चंद्रशेखर को जेल में बंद करने का काम करेंगे। इन्होंने जेल में बंद करने का काम किया, मगर जब वो छुटकर आए तो उन्होंने कहा कि समाज के लिए एक बार नहीं, अगर 2 बार 3 बार अगर 10 बार भी जेल में जाना पड़ेगा तो जाएंगे, हम जेल से डरने वाले नहीं है। साथियों, ये जेल का डर दिखाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर की माँ से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी, उसका बेटा जेल में, लोग हमारे जेल में गए, मगर जो माताएं बहने बेटियों ही हैं, मैं इनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि अपने बच्चों को भी बाहर निकालिए। अगर आपने अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला, आपने अपने बच्चों को ये कुर्बानी करने का साहस नहीं दिया, तो हम जल्दी गुलाम हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये कुर्बानी का जो कुर्बानी करी है, ये कुर्बानी का हमारा इतिहास रहा है, इतिहास रहा है कुर्बानी का हमारा। हमें डरना नहीं है, ये लोग हमें डराना चाहते हैं, ये जेलों से डराना चाहते हैं, ये गोलियों से डराना चाहते हैं, मगर हम बताना चाहते हैं भीम आर्मी इस देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन है, चंद्रशेखर एक ऐसा आंदोलन है जो रुकने वाला नहीं है। इनको पता है, जब भी तो चंद्रशेखर को जेल में डाल रखा है, 5 केस लगाए चंद्रशेखर आजाद पर, हाई कोर्ट कहता है कि इनको जमानत दे दी जाए, मगर सरकार कहती है कि नहीं, इनको जमानत नहीं दी जाएगी, NSA लगाया जाएगा। जब NSA लगाया गया, तो NSA क्या होता है? NSA होता है कि अगर ये आदमी बाहर आ जाएगा, तो जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी व्यवस्था चेंज हो जाएगी। और एक आदमी तुम्हारी व्यवस्था चेंज कर सकता है, तो इस देश के अंदर करोड़ों चंद्रशेखर पैदा हो गए हैं, तुम्हारे चूलों को हिला देंगे। ये डर है इनको। अरे लोग हमसे मुकाबला करते हैं, हम सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं, हम इस देश का निर्माण करते हैं। साथियों, ये लड़ाई एक चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, ये लड़ाई सुजीत कुमार सम्राट की नहीं है, ये हर नौजवान की लड़ाई है जो भारत के संविधान पर विश्वास करता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास करता है। हमें करना क्या है? अपने बच्चों को बाहर निकालना है। भाई माइक सही निकल रहा, थोड़ा बढ़ाओ इसको, इसको बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, देखो। हमें अपने बच्चों को निकालना है, बाहर निकालना है अपने बच्चों को। बच्चों से कहना है कि बार बार मरने से एक बार मरना अच्छा है। या दुनिया के अंदर
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कुर्बानी हमारे लिए की, आज ये जो कोट है मेरे शरीर पर, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है। इसलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करनी चाहिए। साथियों, जो ये प्रोग्राम करते हैं, ये दिल्ली का सबसे अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पर। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सब लोगों को बुलाकर यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को देने का काम किया, बुद्ध के विचारों को देने का काम किया, समाज को जगाने का काम किया। साथियों, अब घर बैठने का सवाल नहीं है, अब समय बैठने का नहीं है, घर पर बाहर निकलने का समय है। अगर तुम नहीं निकले बाहर तो ये लोग आपको आपके घर के अंदर ही मारेंगे। साथियों, या तो आप पिटते रहो या पीटने के लिए तैयार हो जाओ, निर्णय आपको करना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी की विचारधारा इस देश के अंदर है, जिसको मनुवादी विचारधारा कहते हैं। इस देश के अंदर दो विचारधारा है, एक गांधी की विचारधारा जिसको मनु की विचारधारा बोलते हैं, एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा। जब गांधी इस देश के अंदर आया तो गांधी ने देखा कि इस देश के लोग लाचार है, भूखे हैं, नंगे हैं, तो गांधी ने भी अपने कपड़े उतार दिए। अरे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि इस देश के लोग भूखे हैं, लाचार हैं, नंगे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर ने ठाना कि इस देश के हर नौजवान के शरीर पर कोट पहना कर रहूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा। निश्चित आपको करना है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा के साथ जाना है या उन लोगों के विचारधारा के साथ जाना है। साथियों, समय कम है, मैं आखिरी में दो बात कहूंगा। साथियों, ये समय आ गया है, ये बदलाव का समय चल रहा है। आज का नौजवान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कहते हैं तुम्हें मार देंगे, अरे हम मरने से नहीं डरते हैं, आज हम मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये कानून में अधिकार है कि अगर कोई हमें मारेगा तो उससे पहले हम मारेंगे तुमको। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। ये लोग डरते हैं, ये डरपोक लोग हैं, इतिहास गवाह है कि इन्होंने पीछे त्यौहार किया है। ये हमारे सामने नहीं आ सकते क्योंकि ये डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग इस देश के अंदर पैदा हो गए हैं, हजारों करोड़ों लोग इस देश के अंदर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। आपको तो सिर्फ अपने बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि गुलाम नहीं बनाना बच्चों को। गुलाम की 100 साल की जिंदगी बेकार है, शेर की 1 साल की, 1 दिन की भी जिंदगी अच्छी है। क्योंकि गुलाम जो कायर होता है, कायर की कोई जमीन नहीं होती है और शेर की जमीन कोई छीन नहीं सकता है। तो आपको निश्चित करना है कि अपने बच्चों को शेर बनाना है या कायर बनाना है, ये आपको निश्चित करना है। साथियों, एक बात आखिरी में खत्म करूंगा, क्योंकि हम कानून के लोग हैं, एजुकेशन वाले लोग हैं। या हमारे वकील साहब हैं सत्यप्रकाश गौतम जी, जो अच्छा यहाँ पर लोग कर रहे हैं, इसकी एंकरिंग कर रहे हैं, वो भी कानून के हमारे साथी हैं। मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि 20 मार्च 2018 को मात्र दो लोगों की कलम ने आपके 33 करोड़ 34 करोड़ 35 करोड़ लोगों का अधिकार छीन लिया। कलम की ताकत से दुनिया में कोई बड़ी ताकत नहीं है। एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों, कि एक तरफ मेरा भीम था, खिलाफ सारी दुनिया थी। ऊपर से धर्म की गद्दारी थी, पर सारी दुनिया में मेरा भीम का कुछ ना कर सके, क्योंकि मेरे भीम की कलम दुश्मन की तलवार से भारी थी। हजारों तलवार भी मिलकर एक कलम का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहती हो तो कलम की ताकत दो। कलम की ताकत से दुनिया में कोई बड़ी ताकत नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय नमो बुद्धाय।